नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म फोकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट फोकरे 3 बीते दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म के पहले दो प्रीक्वल सुपर डुपर हिट रहे थे और इसकी तीसरे पार्ट का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब जब फोकरे 3 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है तो उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म को भी क्रिटिक्स और दर्शकों से शानदार रिव्यू मिला है। तो ऐसे में चलिए यहाँ जानते हैं फोकरे 3 ने रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई की है। पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और साथ ही पंकज त्रिपाठी का फोकरे गैंग एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ गया है। फोकरे 3 में भी ये स्टार दमदार एक्टिंग के साथ एंटरटेनमेंट की फुल डोज देने में कामयाब रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सिनेमाघरों में काफी भीड़ नजर आई। वहीं अब फोकरे 3 की रिलीज के पहले दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक इस फिल्म ने बम्पर ओपनिंग की है। एक ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फोकरे 3 ने रिलीज के पहले दिन 8.50 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये अनुमानित आंकड़े हैं, ऑफिशियल नंबर्स आने के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। फोकरे 3 को बॉक्स ऑफिस पर द वैक्सीन वॉर से क्लैश करना पड़ा है। इसके साथ ही फिल्म को शाहरुख खान स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान से भी टक्कर मिली है। बावजूद इसके फोकरे 3 सिनेमा घरों में ऑडियंस को खींचने में कामयाब रही है। फिल्म की कमाई में वीकेंड पर उछाल आने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि फोकरे 3 का निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है। उन्होंने इसके दोनों प्रीक्वल को भी डायरेक्ट किया था। फिल्म में वरुण, पुलकित और मनजोत लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। इधर भोली पंजाबन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जनता के बीच खुद का डंका बजवाने के लिए वो इन तीनों फुकरों की मदद लेती है। क्या ये फुकरे भोली पंजाबन को चुनाव जिता पाएंगे या खुद ही कोई खेल खेल जाएंगे, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि आपने ये फिल्म देखी है या नहीं, अगर देखी है तो कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में जाने वाले हैं। जो भी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।